पुलवामा हमले में शहीद हुए अवधेश यादव को उनके पैतृक गांव बहादुरपुर स्थित घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीद अवधेश यादव को उनके पिता हरिकेश यादव ने मुखाग्नि दी। इस दौरान सांसद महेंद्र पांडे, प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी समेत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे। हमारे केंद्र सरकार से प्रमुख रूप से यही मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे बनारस में, कहे थे कि एक के बदले 10 सर लाएंगे। हमारे 40 जवान शहीद हुए, कम से कम 400 जवानों का सर पाकिस्तान का चाहिए हम लोगों को। केवल ये वादा कि कार्रवाई छूट हो गई, छूट दे दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, जुमलाबाजी न हो जाए। हम लोगों की मांगे है कि 1 करोड़ रुपया राज्य सरकार हम लोगों को दे अनुग्रह राशि। उसका एक छोटा भाई है, उसकी विवाह पत्नी है, दोनों को योग्यतानुसार उनको नौकरी दे दिया जाए और हमारा गांव शहीद गांव के नाम से जाना जाए, बहादुरपुर। पड़ाव भूपोली मार्ग का नाम शहीद अवधेश कुमार के नाम पर रखा जाए। पड़ा चौराहे पर उसके अवधेश की मूर्ति स्थापित की जाए और उसके नाम पर एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए। एक प्रमुख से 6 मांगे थी।